चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया। रानिया के पूर्व विधायक कृष्ण कंबोज ने शुक्रवार को जेजेपी छोड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज कृष्ण कंबोज ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में कृष्ण कंबोज ने कांग्रेस ज्वाइन की है। और आपको बता दें कि 2009 में चौधरी रणजीत सिंह हराकर विधायक वो बने। ऐसे मत करो। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय हमारे प्रधान चौधरी उदय भान जी और हमारे सोनीपत सांसद और ब्रह्मचारी जी धनखड़ साहब और हमारे साथी सुबीर कटारिया जी और सम्मानित मंच उपस्थित सभी मेरे साथियों ब्रह्मात्र शक्ति मैं पत्रकार बंधु। देखिए सभी साथियों ने बहुत सारे साथियों ने गुड़गांव से भी और आपका पंचकूला से भी और जींद से भी ऐसे बहुत सारे साथियों ने जो आज कांग्रेस पार्टी रानिया से भी कंबोज साहब ने रानिया से भी और सारे हरियाणा से और बहुत साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और रोज का कार्यक्रम तो मैं आप सबका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। और आपने ये फैसला ठीक समय पे ठीक फैसला लिया है क्योंकि हरियाणा के लोग अब कांग्रेस को चाहते हैं। देख लिया इनका भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का प्रशासन हर वर्ग इससे विमुख है तो आज आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं